नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसी और ज़माने का ख्वाब और मैं हूं जवाद हमदानी। नाज़रीन, हमारा गुफ्तगू का सिलसिला इस वक्त तसव्वुफ के हवाले से है और गुज़िश्ता चंद प्रोग्राम्स इसी मौजू के हवाले से थे। तसव्वुफ आलम इस्लाम में किस तरह से मुख्तलिफ इर्तिकाई मराहिल तय करके आज हम तक पहुँचा और मुख्तलिफ फेजेस में क्या क्या तब्दीलियाँ आईं, और ये कि ख़ास तौर पर जो तीसरा दौर है इस वक्त वो हमारी गुफ्तगू का महवर और मरकज़ है, जिसमें तसव्वुफ में सिलसिले बाकायदा तौर पर वजूद में आना शुरू हुए और ये सिलसिला बाद में आगे बढ़ा। हम सिलसिले नक्शबंदिया का एक इब्तदाई सा तारुफ और उनके मशाइख का जिक्र इससे पहले कर चुके हैं, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़रुल्लाह खान साहब। ज़फ़रुल्लाह खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपने तसव्वुफ़ का जो ये वाला तीसरा फेज़ है जिसमें सलासिल का आगाज़ हुआ, उसका एक आपने खुलासा बयान करने के साथ सिलसिले नक्शबंदिया पे ख़ास तौर पर गुफ्तगू का आगाज़ कर रखा है, इसी को आगे बढ़ाएंगे। मशाइख का कुछ ज़िक्र आपने किया। सिलसिले नक्शबंदिया में अगर इसके उसूल के ऊपर बात की जाए तो इसके मबानी और इसके उसूल क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सिलसिला नक्शबंदिया तसव्वुफ के बड़े सलासिल में से एक सिलसिला है और हमने उसकी इब्तदाई पीरियड की बात की, जिस स्टेज में वो सिद्दीकिया कहलाता था, जिस स्टेज में वो तैफूरिया कहलाता था। और इस सिलसिले की अपनी फिर जैसे तसव्वुफ की इर्तका है, इसकी भी इर्तका के तीसरे सिलसिले में ये सिलसिला ख्वाजगान कहलाया। ख्वाजगान में ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि हज़रत ख्वाजा अब्दुल खालिक गजदवानी, गजदवानी गांव है शुमाल बुखारा के शुमाल में 85 किलोमीटर। तो अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैं वहाँ हाजिर भी हुआ। अच्छा, यहाँ ये देखिए कि ये मदीने पाक से शुरू हुआ, वहाँ से शुमाल में बिस्तान गया, उसके शुमाल में वो गया खरकान में, थोड़ा यूँ नीचे आके साउथ ईस्ट में ये फरमद में आया, यहाँ से बिल्कुल सीधा नॉर्थ में मर्व में अब्दुल खालिक जो है हज़रत यूसुफ हमदानी वहाँ गए, बिल्कुल सीधा ये शुमाल में चला गया और बुखारा चला गया। ये बड़ी अहम है चूँकि ये फिर वापस लौटता है, ठीक, ये अच्छा ये वापस आ जाएगा, वापस चला जाएगा। ये अजीब सा सिलसिले में एक ज्योग्राफिक ट्रेजेक्ट्री है। अब्दुल खालिक गजदवानी रहमतुल्लाह अलैह इस तसव्वुफ के सिलसिले के बड़े शेख हैं। बड़े शेख से आप ये कह सकते हैं 1179 बनता है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, ये अंग्रेज़ी पीरियड जो है। अच्छा, 900 साल कमोबेश तकरीबन। इन्होंने इस सिलसिले को मुंजबित किया और इसके डॉक्ट्रिनल साइडें असूल जो है ना, इल्मी असूल मुरतब की कि आपने अपने सालिक और मुरीद और शगिर्द की रूहानी तरबियत में किन किन पहलुओं को जोर देना है। और वो बड़े दिलचस्प हैं, वो बड़े ही इंटरेस्टिंग है इल्मी तौर पर, किसी सिलसिले में नहीं है। तसव्वुफ के सिलसिले नक्शबंदिया के 11 असूल हैं। अच्छा, मुराकबात वगैरह बाद में कभी देखेंगे। 11 में से 8 असूल हज़रत अब्दुल खालिक गजदवानी रहमतुल्लाह अलैह के, ठीक, वो क्या कहते हैं? पहला असूल जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, होश दर दम, होश दर दम, कि आपने दम सांस, हर सांस पे आपने होश में रहना है, हर सांस में आपने अल्लाह का जिक्र करना है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को बहुत आला तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, जो दम गाफिल सो दम काफिर, जिस दम में मैंने अल्लाह का जिक्र नहीं किया वो लम्हा जो है वो कुफ्र का, मतलब इनकार, कुफ्र का माना उन मानों में नहीं, और हमारे उन मानों में नहीं, इसे आज लेते हैं कुफ्र के, अल्लाह ने नाशुक्री के माने में भी लिया है उसको, कुफरान नेमत जैसे हम कहते हैं। मुझे इस पे एक अहद हाजिर के एक शायर का शेर याद आ रहा है, वो भी इसी कैफियत पे हज़रत अब्दुल खालिक गजदवानी की मफहूम में, हज़रत
ये बुल बाब हजरत जो है हमारे अल्लाह वाले सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह उनकी ज़बान में अगर हम लें तो कहेंगे, वो कहते हैं कि मैं उस लम्हे का क्या हिसाब दूँ, मैं उस लम्हे का क्या हिसाब दूँ जो तेरे बगैर कट गया है। अब्दुल खालिक ऐदवानी कहते हैं कि हमारे सिलसिले का पहला असूल ये होगा कि होश दर दम, हर सांस में हम अल्लाह की ज़ात में होश में रहेंगे और अल्लाह का शऊर रखेंगे और जिक्र करेंगे। ये भी जिक्र है ना, शऊर में रहना, उसके एहसास में रहना, जो हम पहले बयान कर चुके हैं एहसान की जो कैफियत। बिल्कुल सही है, गॉड कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस जी वही उसमें उस माने में, चले आप काम ना कर रहे हो, चले आप अपना कारोबार कर रहे होंगे, ये बाद में हमें बज़ाहिर आप कोई इबादत जैसे नहीं कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, लेकिन आपका तवज्जो आपका ध्यान नक्शबंदियों में ये खास बात है और क्षेत्रीय सिलसिले में नहीं है, इसको आगे एक्सप्लेन भी करते हैं वो। दूसरा उन्होंने जो असूल बनाया कि नजर बर कदम, हर कदम जो है ना आपका उस पर आपको गिरफ्त करनी है, कहाँ आप जा रहे हैं, कौन से काम में कदम उठा रहे हैं, कौन सी आप नियत कर रहे हैं, इसको आप नजर रखेंगे, इसका आप ख्याल रखेंगे, हर लम्हे हर कदम उठाते हुए काम का, हर फिजिकल कदम उठाते हुए, एक्शन मूवमेंट एंड इंटेंशन, तीनों चीजें जो है ना आपकी नियत, अमली कदम उठाना और मकसद, फिजिकल हरकत करना, मकसद होना, जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना इसको होश में रखें, होश में अल्लाह की होश, मुराद ये कि क्या ये खुदा की रजा के लिए कर रहा हूं या नहीं कर रहा, क्या मैं किसी अपने हर लम्हे खुदा नफ्स की पैरवी, हर लम्हे खुदा का गलबा। तीसरा असूल आपका बहुत इंटरेस्टिंग है, सफर दर वतन, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सफर दर वतन, अपने वतन में चलते रहो। वाह, अच्छा वतन से मुराद बातें नहीं है, बातें अपना अंदरूनी सफर करो, रूहानियत में करनी है, एक नमाजें पढ़ते हो तो दो पढ़ो, तीन चार पढ़ो, अब ये सफर दर वतन है, एक तस्बीह पढ़ते हो तो चार पढ़ो, एक घंटा गरीब की खिदमत करते हो दो घंटे खिदमत करो, माँ की खिदमत एक घंटा करते हो तीन घंटे करो, ये सफर दर वतन है कि आपका इंटरनल जर्नी जो है ना, मन की दुनिया का सफर, हाँ, दिल दिल की दुनिया का सफर, इंटीरियराइजेशन, मॉडर्न साइकोलॉजी में हम कहेंगे इंटीरियराइजेशन ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस, कि आपकी जात के अंदर, बतन के अंदर खुदा का एहसास घुस जाए और उसी में आप तरक्की करें। 17, 18, 19, 22 ग्रेड में मर के और कबर में साहब का फैक्ट्री ना लिखाएं, ठीक है वो जरूरी है, उसके में हम खिलाफ नहीं है, लेकिन असल आपका सफर ये है, बातें का सफर, तरक्की ना भी कर सके, करनी चाहिए ना भी कर सके, तरक्की ये है अपनी जात के बातिन के अंदर, आला से आला इंसान, आला से आला इंसान बने आप। चौथा असूल देखिए, ये नक्शबंदियों के बारे में कहा जाता है कि ये रिवाइवल ऑफ ऑर्थोडॉक्सी है, अंग्रेज ये कहते हैं कि क्लासिकल इस्लाम को इन्होंने ना खड़ा किया है, क्योंकि ये शरीयत की बड़ी सख्ती से पाबंदी कराते हैं, शक्ल सूरत से लेकर अपने आमाल में, ये थोड़े चिश्ती लिबरल हैं, ऐसे बड़े सख्ती करते हैं, आप शक्ल से देख के आज भी बता देते हैं कि ये नक्शबंदी खड़ा है, मुझे तो फौरन पता चल जाता है उनकी शक्ल देख के। अच्छा अब बात ये है कि एक ज़माना आ गया था कि मुसलमान गदियों में, खानकाहों में बैठ गए, मदरसों में बैठ गए, अल्लाह अल्लाह किया, दुनिया का कारोबार छोड़ दी, इसके खिलाफ उठे, क्योंकि क्लासिकल बुजुर्ग हमारे आपको पता ना ये काम नहीं करते थे, चंदे पर नहीं पलते थे, काम करते थे, सारे के सारे काम करते थे, इन्होंने कहा भाई देखो शेख काम करेगा, क्या है शेख काम करेगा और शेख लोगों के अंदर बैठेगा, ये जो आपने ये अल्लाह वाला लागू हो गया ये काम हम नहीं करने देंगे, वापस आओ शहरों में रहो, काम करो और खेती बाड़ी करो, कपड़े बुनो, कालीन बुनो, जो उस जमाने के राइज काम थे वो काम करो और लोगों में बैठो। अब इसको उन्होंने कैसे फिलोसोफाइज किया, खिलवत दर अंजमन, बैठना अंजमन में है, किसमें, काम तनाई वाले करने, गोया कि आप महफिल में बैठे हैं पूरे जुड़े हुए हैं, दफ्तर में आप काम कर रहे हैं, दिल अल्लाह की तरफ, आप कारोबार जरूर करना है आपने, दिल अल्लाह की तरफ है, दोस्तों में बैठे हैं आप, अंजमन में बैठे हैं, जाया कर रहे हैं, दिल अल्लाह की तरफ है। बहाउद्दीन नक्शबंद ने इसको आगे आकर एक फिक्रा कहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है,
और अगर आप बुखारा के एयरपोर्ट पे उतरे और वहां से आप हजरत के मज़ार की तरफ जाएं, बहादुरंद का मज़ार जो है वो शुमाल मशरक में पड़ता है, कसर आरफीन जो है, हर पोल पे एक फिक्र लिखा हुआ है हजरत का, वो बहुत कमाल का। ये रेवोल्यूशनाइज कैसे सूफी करते हैं कि मुसलमानों को खानकाहों से उठा के कारोबार में लगाना, वो खुद भी काम करके दिखाया और थ्योरी भी बनाई। और जैसे बहाउद्दीन, मैंने खुद कहा कि वो तो बेचारे कपड़ा बुनते थे। अच्छा, अगली बात बताऊं, ये बहाउद्दीन से लेकर खालिद गजदवानी तक 7 शेख हैं, आरिफ रेवगढ़ी, अब्दुल खालिद गजदवानी के, आरिफ रेवगढ़ी थे महमूद फगनवी, महबूब फगनवी के बाद हैं अजीज़ रामितानी, अजीज़ रामितानी के बाद हैं बाबा समासी, अमीर कलोल, बहाउद्दीन, ये सारे खेती बाड़ी करते थे। 2 एकड़, 4 एकड़, 6 एकड़ ज़मीन है, जो ज़मीन है, जो सुबह किसी से नहीं मिलते, खेती बाड़ी करेंगे, हल चलाएंगे और जोर के बाद बैठ जाएंगे, कुआं उनके होते थे, बैठे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं। ये बड़े मास्टर शेख, मास्टर ग्रैंड शेख अपने, इन्होंने ना ये अब्दुल खालिक गजदवानी ने निकाला इनको खानकाहों से, चलो काम करो, ये क्या तुमने मुफ्तरी लगाई हुई है, सारे सूफियों को समझाया। और असूल क्या बनाए, ये खलवत दर अंजमन, और इसको बहाउद्दीन ने क्या कहा, कमाल का मिसरा यार, कमाल का। मुसलमान बस ये याद कर लेना, सूफी बन जाएंगे वो। दस्त बकार वाह, दिल बयार, सुभान, मेरा हाथ तो मेरे काम में रहेगा, दस्त बकार काम में, दिल बयार, दिल अल्लाह यार की तरफ रहेगा। वाह, ये रेवोल्यूशनाइज कर दिया खलबत और अंजमन ने, कि भाई खलबत में नहीं बैठ सकते आप, चूंकि पता है सूफी खलबत की तरफ चले जाते हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, वो कहते हैं ये नक्शबंदी नहीं करने देते आपको काम, इधर रहो लोगों के दर। चूंकि हदीस शरीफ में भी तो आता है ना, एक हदीस शरीफ में यह है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो मुसलमान जो हालात से तंग हो के असर मफहूम शरीफ है अल्लाह को के बैठ जाए, उससे वो मुसलमान अच्छा है, चाहे आमार में कमजोर है, लोगों से जुड़ के रहता है, जुड़ के रहता है। दीन इस्लाम तो रहमानियत का मजहब ही नहीं है। आजकल के अल्लाह वाले हम कहते हैं गांव में जाके बैठ गए, एक टांग पे खड़े हो जाएंगे, ये हमारे क्लासिक सूफी नहीं करते थे। अब देखिए क्या कह रहे हैं बहाउद्दीन अब्दुल खालिक गजदवानी, खलवत दर अंजमन, यू हैव टू गेट सॉलिट्यूड व्हाइल बीइंग इन द कंपनी, आपने कंपनी में होते हुए तन्हाई में अपने आप को लाना है, डिटैचमेंट। जैसे एक और फारसी शायर ने बिल्कुल यही मफहूम बयान किया, फरमाया कि हरगिज वजूद हाजिर व गायब शनीदी, मन दर मियाँ ने जम दिलम जाई दीगर, कि मैं बैठा तो लोगों में हूँ हाँ, लेकिन मेरा दिल कहीं और जा रहा होगा। तो वो तो सारे सूफी ये कहते हैं कि आपने दरिया में हमें डाल दिया है, डाला है ले, हम आपकी तरफ मंसूब रहेंगे। तो ये उन्होंने रेवोल्यूशनाइज किया कि भाई काम हम करेंगे हाथ से, हमारा हाथ नहीं रुक सकता अल्लाह के नाम पर, काम करेगा दिल हमारा लगता रहेगा। अब इन्होंने ना एक इंकलाब बर्बाद कर दिया लोगों को निकाल के खानकाहों से ना, इस वजह से नक्शबंदी हुक्मरानी के निज़ाम में तो खुद नहीं आया लेकिन हुक्मरानों के करीब बहुत रहे, सही, उनको समझाना बुझाना, खत लिखना, लेक्चर उनके यहाँ बहुत है, वो अलग नहीं बैठते। सोरवती भी उन्होंने यही किया यही मुल्तान वगैरह में। लेकिन अच्छा, अगला असूल उनका बड़ा याद था, याद करदन, 5वां, हर वक्त हम अल्लाह को याद करेंगे, जिक्र, अल्लाह के नबी को याद करेंगे, बुजुर्गों को याद करेंगे, अच्छे कामों को याद करेंगे, अपने गुनाहों को याद करेंगे, तौबा करते रहेंगे, तौबा हर बाद में भी आएंगे, अच्छे शुक्र करते रहेंगे, अल्लाह के इनाम को याद करते रहेंगे, याद करते। और कुरान पे इसका बहुत जिक्र है, बहुत, बहुत। याद करो उस वक्त को जब ये हुआ, याद करो, देखो, याद करो, ये वही है बिल्कुल। और अगला इनका ये था, याद करो, याद करदन, और फिर ये था कि बाज गश्त, मुड़ के आओ, तौबा जैसे, तौबा, बिल्कुल, आपका ख्याल गलत हो गया वापस आ जाओ, जिक्र भूल गया बैठे बैठे वापस आ जाओ, लग्जिश हो गई वापस आ जाओ, गुनाह हो गया वापस आ जाओ, तौबा, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। इंसान है ना, हम भागते रहते हैं आगे पीछे, फिक्र भी भाग जाती है, नीयत भी भाग जाती है, ठीक है ना जी, अमल भी भाग जाता है। अब इसको मानना चाहिए ना, बिल्कुल ऐसे, इंसान है ना हम, अल्लाह तो ये नहीं है आप रोबोट बन जाओ, जानवर बन जाओ या फरिश्ते बन जाओ, अल्लाह में इंसान रखना चाहता है ऐसे। और वापस आ जाओ, जैसे गलती करना गलत नहीं है, लेकिन इस्लाम ने की, लेकिन वहां से वापस ना लौट, ये आदमियत है, आदम अलैहि सलाम से आदमियत यही है। शैतानत किया है कि मैंने क्या गलती की है, आदम ने कहा रब्बना ज़लमना अल्लाह मुझसे गलती होगी, इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, कुरान में फरमाया है, आदम बन गए, हम सब के बाप हैं, तमाम नबी उधर से आ रहे हैं, गलती मानी ना कुरान ने,
قرآن مجید نے بڑی صراحت سے انہوں نے بیان فرما دیا اس کے بارے میں. اس کے بعد نا دو ان کے بڑے چھوٹے چھوٹے اصول ہیں, نگہ داشت, واچ فل رہے, کس پہ؟ اس پہ ہر اچھائی پہ کریں آپ, ہر برائی سے بچیں, اور اپنے خیالات جو ہے نا سٹری تھاٹ نہ آنے دیں. یہ بہت عذاب ہے ڈسپرشن آف تھاٹ, جو عہد حاضر میں کمال ہے. یہ الگ بٹھانے کی یوگی بھی یہ کرتے نا, وہ آپ کا خیال کو یہ بہت متمرکز کرنا ہے. ہاں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی نگہ داشت, ہر چیز پہ نگہ رکھنی ہے, اپنے اعمال پہ, اپنی نیتوں پہ, اپنے تھاٹس پہ, خیالات پہ, خیالات پہ, اپنی اچھائیوں پہ. بہت ہی اہم بات. جی, آخری ان کا جو اصول تھا وہ ہے یاداشت. یاداشت سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ہر لمحے اپنی بینگ, اپنے وجود, بینگ اور آپ کی جسم ہے باڈی, ان دونوں پہ آپ نے ان پہ توجہ کرنی ہے. توجہ, اب دیکھیں یہ تھوڑا فلسفیکل ہو جائے گا. یہ آپ کی جو بینگ, آپ کے جو جسمانی روحانی بینگ ہے نا, آپ کا اخلاق, آپ کی نفسیات, آپ کی روحانیات, آپ کی جذباتیات, احساسات, انسٹنکٹس, یہ ساری کی ساری بینگ کا حصہ ہے, اس پہ نظر رکھو. اور باڈی آپ کی جسم ہے, اس میں گناہ کی طرف جانا ہے, اچھائی کی طرف جانا ہے, غلط اعمال کرنے ہیں, یہ ان سب پہ آپ نے نظر رکھنی ہے. اب یہ آٹھ اصول حضرت خواجہ عبدالخالق غیدوانی نے بنا دیے. ان سے کچھ عرصہ بعد جب بہاؤدین رحمۃ اللہ علیہ, کم و بیش ان کا 210 سال کا فرق ہے. میں نے بتایا نا 7 شیخ آ گئے, ٹھیک, جیسے میں نے آپ کو بتائے ہیں. وہ بخارا میں جاؤ نا تو لوگ اکٹھی زیارت کراتے ہیں, ہم نے سب نے ان کی زیارت کی ہے. تو حضرت بہاؤدین نقشبند پہ آ گئے, جہاں سے یہ سلسلہ بنا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں سے اگلا حصہ سلسلے کا نقشبندیہ ہو گیا. بہاؤدین نقشبند سے عبدالخالق غیدوانی تک یا یوسف ہمدانی تک, اس میں اختلاف ہے. یہ سلسلہ خواجگان ہے. حضرت عبدالخالق غیدوانی سے لے کر سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تک, یہ تیفوریہ ہے. اور بایزید سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مطلب اگلے صحابی ہیں ابو بکر, اس روایت میں وہ اسی کیا ہے. بہاؤدین جب آئے تو بہاؤدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے کو بہت پھیلایا, اور 3 اصول ڈالے, اور مراتبے وغیرہ بھی بعد میں آتے ہیں. 3 اصول ان کے کیا تھے, یہ بہت ایڈوانس ہیں. میں یہ تو بڑی بعض اوقات نا ان کو سن کے پریشانی ہو جاتی ہے. غالباً یہ وہ سٹیج ہے کہ جس میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ فلسفے کو بھی اندر لے آتے ہیں, یہ تصور میں. ابھی دیکھیں نا, پیچھے زیادہ غیر زیادہ فلسفیانہ باتیں نہیں تھیں, نظم و ضبط اور کنٹرول اور ڈسپلن کے اصول تھے سارے. ان کا پہلا اصول یہ ہے, سلسلے کا جو ہو گیا 9, اور حضرت بہاؤدین کا پہلا اصول وہ ہے وقوف زمانی. اس کے 2 معنی ہیں, وقت کو روک دینا, اچھا, وقت پہ روک جانا, پاز آف ٹائم. میری رائے میں ڈفرینٹ ہے, میری رائے میں اس کا مطلب ہے ٹرانسینڈنگ دا ٹائم, اٹھ جانا. وقوف اٹھنے کو بھی کہتے ہیں نا ہمارے یہاں, کھڑے ہونے کو بھی کہتے ہیں, اٹھنے کو بھی کہتے ہیں. واقف حال, مہرا مہرا. وقوف زمانی کا مطلب ہے اب زمانے سے نکل جائے. اللہ کی یاد ہے, اللہ کی اطاعت ہے, انسان کی خدمت ہے, دن کیا اور رات کیا, دن کیا رات کیا. ہائے ہائے ہائے, عشق کی تقویم میں عصر حاضر کے سوا اور بھی ہیں زمانے جس کا نہیں کوئی نام. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مشرق رتبہ, وہ کہتے ہیں کہ مسجد جو محبت والے نے بنا دی عبد المانا داخل نے عشق سے, عشق کسی وقت کا پابند نہیں. اور بھی بڑے زمانے ہیں حاضر عصر حاضر حاضر کے علاوہ, ماضی فیوچر پتہ نہیں کہاں کہاں ہیں. وہ بھی یہ کہتے ہیں زمانہ ایک بڑی چیز ہے, سیریل ٹائم ہے. ماضی حال مستقبل سے فارغ ہو جائیں, آج کل اس لمحے اگلے لمحے سے فارغ ہو جائیں, ٹھیک ہے. زمانہ آپ پہلی صدی میں ہیں, دوسری میں, چوتھی میں, فارغ ہو جائیں. ٹرانسینڈنس, یہ بہت بڑا جمپ مارا ہے انہوں نے. کبھی وقت ہمارے پاس نہیں ہے, ورنہ کبھی بہت بڑا جمپ مارا ہے. انسانی نفسیات کو زمانے سے اٹھا دینا آسان کام نہیں ہے, یہ بہت سبلائم لے گئے. اور دوسرا وقوف عددی, اچھا عدد نہیں گننے, ٹائم نمبر کیا ہے؟ وقوف عددی, وقوف عددی, عدد نہیں گن سکتے آپ.
एक दफ़ा अल्लाह किया है जी, मैंने 10 दफ़ा तस्वीर पढ़ी है, भाई अल्लाह से क्या तल्लुक। वो एक सूफी के बारे में कहते हैं ना कि वो गांव में फिर रहे थे, बहुत अल्लाह करते थे, बैठे थे, तो वहाँ गांव की ख़वातीन जो हैं वो फिर रही थी। एक खातून ने दूसरे से पूछा, वो मतलब कहानी मशहूर है ना, कि आप कितना खर्च करते हैं अपने दोस्त पे या किसी पे, तो उसने कहा इतना 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 इतना। तो दूसरे ने कहा यार गल सुनो, लगाते यारी दोस्ती तो हिसाब करते हैं दोस्ती में। वो अल्लाह वाले को समझ आ गई कि यार अल्लाह से यारी नहीं लगाती, तस्बीह तोड़ी और वो जो गिन 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 के नंबर लगाते थे ना, मैंने 10 पढ़ी 15 पढ़ी उन्हें छोड़ दी। अब हजरत का एक मफहूम ये है, अदद से फारिग हो जाए। यहाँ पे वकूफ़ वही सस्पेंशन के मतलब मानों में, जैसे कि पहले वकूफ़ ज़मानिया के ज़माने से निकल जाना, टाइम से, उसमें टाइम से फ़ारिग किया, यहाँ तादाद से नंबर से आपको फ़ारिग किया। एक दफ़ा जिक्र, एक दफ़ा जिक्र है, 100 दफ़ा जिक्र है, ये गैर ज़रूरी बहस है। अब मैं जी मैंने 1 घंटा इंसान की खिदमत कर ली, अब मैं क्यों करूँ? वो कहते सॉरी कोई टाइम नहीं होता, ऑलवेज काम में रहो, ऑलवेज जिक्र में रहो, उठ जाओ नंबर से। मैंने 5 लाख बना लिए, मेरी 2 लाख तनख्वाह आ गई है, मेरे 4 घोड़े हो गए, नंबर ही है ना सारे, फर्क करो इसको, डिटैचमेंट देखें। नंबर ने देखिए कोई इकोनॉमिक प्रोग्रेस, कोई भी जो चीज़ होती है वो नंबर नंबर के टाइम से ही है ना, तो कर छोड़ दो फर्क, उठ जाओ उससे। कितनी डिटैचमेंट है वर्ल्ड से। हाँ, ये दोनों जो हैं ये फिजिकल वर्ल्ड से बहुत आगे ले जाते हैं। और तीसरा इनका जो असूल है जो उनके यहाँ 11 होगा, वो है मतलब इख्तलाफ है, बाद लोग कहते हैं ये वकूफ़ कल्बी है और बाद कहते हैं कि वकूफ़ मकामी है। मैं कहता हूँ आप दोनों को ले लें। टाइम होता है ना, टाइम एंड स्पेस है ना, बिल्कुल ऐसे वो कहते हैं स्पेस से भी निकल जाओ, मकाम मकाम से निकल आगे चल। ये हिजाज है और ये बलख है और ये बुखारा है और ये मुल्तान है, ये कोई हैसियत नहीं रखती हमारे नज़दीक। हम एक यूनिवर्सल है, हम जैसे वक्त से उठ जाते हैं ना, हम स्पेस टाइम एंड स्पेस से निकलना तो रियल फ्रीडम है ना, बिल्कुल फारिग हो जाओ। और बाद लोगों ने कहा कि नहीं, इससे मुराद वकूफ़ कल्बी है कि दिल आपका हर शय से सिवाय खुदा के उठ जाए, मासिव अल्लाह से उठ जाए दिल का, अल्टीमेट यही है ना। आप जब ये तमाम एक्सरसाइज करेंगे, तवज्जो करेंगे, अल्लाह अल्लाह करेंगे, जितनी हमने असूल बयान किए, अंजाम क्या होता है? अंजाम ये है कि आपका कल्ब जो है पूरी कायनात से उठकर अल्लाह की रात पे रुक जाए। तो ये बुनियादी तौर पर 11 असूल हैं नक्शबंदियों के, जो आज तक पढ़ाए सिखाए और अमल में लाए जाते हैं। ये एक शनाख्त है इस सिलसिले की। चलिए तो इस गुफ्तगू को फ़िलहाल यहाँ पर रोकते हैं, चूँकि बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसके ऊपर मेरे जहन में कुछ सवालात भी उठ रहे हैं, तो इसी सिलसिले का तारुफ हम अगले प्रोग्राम में भी जारी रखेंगे। ज़फ़रुल्लाह खान साहब, बे इंतहा शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। थैंक यू। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। जवाद हमदानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।